हेलो नमस्कार, द होप तैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं अगस्त 2022 की। देखने वाले हैं कि सभी जॉडिक साइंस के लिए अगस्त 2022 का महीना क्या सरप्राइजेस लेके आ रहा है। सो कैसा रहेगा ये आने वाला नया महीना आप सबके लिए, हमारे लिए, वो मैं यहाँ डिटेल में प्रिडिक्ट करने वाली हूँ। आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस हो या आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी लव लाइफ, आपके ब्लेसिंग्स हो या आपकी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स, यहाँ हम डिटेल रीडिंग में हर चीज पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एज ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेज डेफिनेटली आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, और बहुत से लोगों की राशि जो है वो किसी की चंद्र राशि होती है, किसी की सूर्य राशि होती है, तो काफ़ी तरह के लोग रीडिंग देखते हैं, तो काफ़ी तरह के चैनलाइज मैसेज रीडिंग के टाइम मिलते हैं। सो वही मैसेजेस आप फॉलो कीजिएगा, वही मैसेजेस आप लीजिएगा जो कि आपको लगता है कि हाँ ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं, ये आपकी सिचुएशन से जो है रेजोनेट होते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे फिर आप आगे अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जनरल रीडिंग जो होती है वो आपको एक ओवरऑल व्यू देने का काम करती है, कोई भी पर्सनल डिसीजन इसके बेसिस पे आप नहीं लें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके लिए पर्सनल रीडिंग कराइएगा, क्योंकि सभी के चार्ट्स अलग होते हैं, सभी की जो है एनर्जीज डिफरेंट हो जाती हैं पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आकर के। ऑल राइट, तो हम यहाँ देखेंगे 12 साइंस के लिए अगस्त 2022 का प्रिडिक्शन। अगर आपसे ये मैसेजेस, एनर्जीज रेजोनेट हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको चैनल पे मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सो बात करते हैं मिथुन राशि की, देखते हैं कि जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए अगस्त 2022 का महीना क्या सब लेके आ रहा है। सो सबसे पहले मिथुन राशि में यहाँ देखूंगी कि आपके लिए जनरल ओवरऑल एनर्जीज आपकी अगले महीने की क्या रहने वाली है, अगस्त के महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली है। लेट्स सी, प्लीज रीडिंग के टाइम आप पॉजिटिव बने रहिए और हम देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं हमारे पास। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि। ऑलराइट, सो वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3 एंड इन डिसीजन नंबर 8। ओके, बॉटम एनर्जी है द थिंकिंग विमेन की। नंबर 3 और नंबर 8 आप लोगों में से काफी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है मिथुन राशि, और हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर मार्च का महीना और अगस्त का मंथ आपके लिए वैसे भी किसी रीजन से सिग्निफिकेंट हो सकता है। और अगस्त की ही रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक सिग्निफिकेंट मंथ है आप में से काफी लोगों के लिए मिथुन राशि। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड इंडिसीजन, तो यहाँ पे काफी बटरफ्लाइज मुझे दिख रहे हैं। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई चेंज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, कोई चेंज आ रहा है, आप कोई डिसीजन ले रहे हो और उससे आपकी लाइफ जो जुलाई में थी या जून में थी उससे बिल्कुल चेंज होकर के अगस्त में आएगी। आपने आपने कुछ चीज चूज की है, आपने कोई नया डायरेक्शन चूज किया हो सकता है, लेकिन आपने एक पाथ चूज किया है और मैं आपको कहूंगी कि ये जो पाथ आपने चूज किया है वो आपने एकदम राइट पाथ चूज किया है, ठीक है, क्योंकि ये पाथ जो है वो आपको डेफिनेटली बहुत सारी अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है और आप अगस्त के महीने में काफी खुश भी रहने वाले हो। अगर आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम लगेगी तो वो सिर्फ आपको एक इनडिसीशन, जब आपकी एक ऐसा होगा सही हुआ कि गलत हुआ, मैं ऐसा करूं या ऐसा करूं, ये जो फेज आएगा, ठीक है, हो सकता है काफी लोगों का ये फेज जुलाई में ही रह गया हो, ठीक है, लेकिन अगर ये फेज कुछ लोगों के लिए अगस्त की स्टार्टिंग में आता है तो सिर्फ वो एनर्जीज होंगी जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी। अदरवाइज आप पॉजिटिव रहोगे अपने डिसीजन के लिए, अदरवाइज आप एक होपफुल रहोगे, फेथ में रहोगे और एक नई ब्लेसिंग की तरफ, एक नई होप की को ध्यान में रखते हुए, फेथ बनाते हुए यूनिवर्स पे आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो मिथुन राशि काफी लोग। लेकिन डेफिनेटली ये एक दाव है, ये एक रिस्क है कि कैसा होगा एग्जैक्टली ये तो आपको भी नहीं पता, बस आप कोशिश कर रहे हो कि वो अबंडेंस
आपको मिले, ठीक है? क्योंकि आपने आपने एक डिसीजन लिया है, अब डिसीजन के आगे मंजिल पे क्या मिलेगा वो आपको नहीं पता, आपने एक रास्ता चूज किया है अभी, ठीक है? और यस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहे हैं और अगस्त में भी आएंगे डेफिनेटली, ठीक है? स्पेशली ये कोई फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं काफी लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ कॉइन्स बहुत दिख रहे हैं, हालांकि यहाँ फ्लावर्स भी हैं, तो डेफिनेटली ग्रोथ है, रिलेशनशिप की ग्रोथ हो सकती है, लाइफ की ग्रोथ हो सकती है, कोई पॉजिटिविटी की तरफ एक पहला कदम ले रहा हो जैसे मुझे वो दिख रहा है। अगर मैं इन सिम्बल्स को देखूँ तो आप देखो कि ये 3 है, और अगर मैं किसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे को कहूँ कि ये 3 है इससे 8 बनाओ, तो वो क्या करेगा, यही लाइन खींच देगा, और ये फिर फुलफिलमेंट हो गया, इन्फिनिटी का सिंबल हो गया आपके लिए। सो कुछ चीजें हैं जहां अभी आप अटके हुए हो, जहां अभी आपने आधा रीच आउट किया है चीज को, अपनी मंजिल तक आधे आप पहुंच गए हो। अब आपको हो सकता है डर लगे अगस्त में कि मैं क्या पाऊंगा क्या नहीं, या क्या वो अबंडेंस इस रास्ते पे है या नहीं, क्या मुझे पलट जाना चाहिए क्योंकि अभी आपने आधा ही चीज किया है। तो दो चीजें हो सकती है कि या तो आप उस फुलफिलमेंट को और देख लो और आधा जाकर के मंजिल तक पहुंच जाओ, और या फिर यहां से वापस आ जाओ, तो ये आपको थोड़ा सा डरा सकता है। बाकी डेफिनेटली जो लोग होपफुल हैं उनके लिए मुझे अबंडेंस भी दिख रही है, बिकॉज एट द एंड हम पॉजिटिविटी को सोच के चलें तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाते हैं। सो मिथुन राशि, यहाँ थोड़ी सी ओवर थिंकिंग है किसी गोल के लिए, किसी एम के लिए, किसी चीज के लिए, ठीक है? आई डोंट नो वो क्या है। नाउ देख लेते हैं हम बारी बारी से कि आपकी वर्क प्लेस और करियर में क्या हो रहा है इस महीने, अगस्त के महीने में, और फिर हम देखेंगे पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में क्या हो रहा है। सो लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, यस, समथिंग न्यू, कुछ नए आइडियाज, कुछ न्यू बिगनिंग आपकी वर्क प्लेस पे मैं देख पा रही हूँ, और इसीलिए यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही थी। कुछ फाइनेंशियली न्यू थिंग्स है। वी हैव 10 ऑफ कप्स, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, ऑल राइट। एट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड बॉटम एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स की। ओके, मिथुन राशि, एक होप के साथ आगे बढ़ रहे हो अगस्त के महीने में, कुछ उम्मीदें हैं आपकी अगस्त के महीने से, कुछ न्यू वेंचर्स, कुछ नई चीजें, कुछ नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, कुछ नए आइडियाज आपके दिमाग में चल रहे हैं अगस्त को लेके। जैसे कोई ये कह रहा है कि मुझे अगस्त में ये करना है, मुझे 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 अगस्त की 14 तारीख को ऐसा ये करना है, 14 तारीख को ये होने वाला है, जैसे उसको पता है सब कुछ, तो वो एनर्जीज में यहाँ पे आप लोगों की देख पा रही हूँ। बहुत मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत ट्रैवल हो रहा है, बार बार आना जाना लग रहा है किसी चीज पे। कोई चीज है जो कि बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी, या जो चीज लंबे समय से आ रही थी आपकी तरफ लेकिन आई नहीं थी, वो अगस्त में आप तक आ जाएगी, वो सेटिस्फेक्शन आपके पास अगस्त में आ जाएगा, ठीक है? काफी लोगों के लिए न्यू जॉब हो सकती है, काफी लोगों के लिए ये कोई बिजनेस हो सकता है, स्पेशली फैमिली बिजनेस देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है? और उसमें आपको जैसे कोई वेट कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे, बट अब वो प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है? कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि किन चीजों पे काम करना है और किन चीजों पे नहीं करना, किन लोगों के साथ करना है और किन लोगों के साथ नहीं करना, जैसे किसी ने कुछ मन बना लिया हो। लेकिन 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 यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, चैरियट भी आ रहा है हालांकि, और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी मिथुन राशि, और सेम चीज है कि आपके पास अबंडेंस भी आ रही है, आपकी लाइफ में यूनिवर्स बहुत कुछ देने वाला है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग, आपको उस फुल सेटिस्फेक्शन वाला जो मोड है उससे कहीं ना कहीं भटका सकती है, ठीक है? जैसे कि मैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज में भी देख पाई थी कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है और इनडिसीशन भी है, मींस कि एक व्यक्ति ने अट्रैक्ट तो कर लिया है उस अबंडेंस को, लेकिन
अब वो आधे रास्ते में कंफ्यूज हो रहा है, आधे रास्ते में उसको लग रहा है वो सही है या नहीं। जनरली हम लोग कब सोचते हैं गलत और सही के बारे में, जब हम चलना शुरू करते हैं। बट आपके केस में मुझे ऐसा लग रहा है आप डिसीजन ले लेते हो उसके बाद सोचते हो कि वो सही है कि गलत है। तो आपकी तरफ कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं कि सब न्यू बिगनिंग हो रही है, फुल सेटिस्फेक्शन, मतलब 10 ऑफ कप से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नाइट ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी दे रहा है ये चीज आपको, जो स्लो मूविंग था वो इतने फास्ट आ रहा है आपकी तरफ विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स होता है मूविंग एनर्जी, एकदम से चीज हो जाना, और नाइट ऑफ पेंटिकल होता है एकदम स्लो स्लो चीज होना, कि हो तो रही है लेकिन पेशेंस टेस्ट हो रहा है। तो इस मंथ आपका पेशेंस आपको रिजल्ट दे देगा, जो आपने इंतजार किया है वो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ओवर थिंकिंग ही है आपकी, या कुछ और चीजें हैं दुनियादारी की जो कि आपको खुश नहीं होने दे रही, जो कि आपको ये देखने नहीं दे रही कि आपने क्या अचीव कर लिया है या आप किस तरफ जा रहे हो। आपको अभी भी कहीं ना कहीं इंटरनली डिससेटिस्फेक्शन है। हो सकता है कि जैसे पूरे ओवरऑल मंथ की एनर्जी है तो 10 दिन आपको वो सेटिस्फेक्शन फील भी हो, लेकिन फिर से आप किसी पुरानी चीज में जो है वो स्टक हो जाए, ऐसी वाली चीज हो सकती है मिथुन राशि। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं। बट फाइनेंसेस मुझे काफी अच्छे दिख रहे हैं, काफी मीटिंग्स और काफी ट्रैवल दिख रहा है मुझे कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए और न्यू जॉब के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ गुड न्यूज, कुछ सेटिस्फैक्ट्री सी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, दैट इज वेरी गुड। जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे वो चीज फाइनली हो रही है। किसी से कोई कम्युनिकेशन या किसी से कोई मीटिंग चाहते थे, कोई इंटरव्यू होना चाहता था, कोई जॉब के लिए देख रहे थे, तो वो होगा आपका इस महीने अगस्त में। नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ में क्या सब होगा। लव लाइफ कैसी रहेगी मिथुन राशि की, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन पावर प्लीज गाइड कीजिए अगस्त 2022 मिथुन राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। द फूल, ऑल राइट। फैमिली मेंबर्स के साथ आपके कनेक्शंस कैसे रहेंगे मिथुन राशि, पहले कार्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग मैरिज में होते हैं तो वो फैमिली भी हो जाती है उनकी। तो मैं ओवरऑल ही आपको बताऊंगी जो भी मुझे मैसेज मिलेंगे। हायरोफेंट, ऑल राइट। एट ऑफ वॉन्ड्स अगेन, बिल्कुल। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम एनर्जी है टेम्परेंस की, बिल्कुल। सो मिथुन राशि काफी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अगस्त के मंथ में आप अगर किसी लव रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, ठीक है, किसी पर्सन को कहना चाह रहे हो, अपनी बात कन्फेस करना चाहते हो, कोई अनकन्फेस्ड लव है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिथुन राशि का वालों का तो ध्यान लव साइड पे नहीं है इतना, वो अपने पैसे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। अगस्त के महीने में बहुत ज्यादा लवी डवी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे एक इंडिपेंडेंसी वाली एनर्जी में हो कि जो मेरा है वो मेरे तक आ जाएगा, बिकॉज मैं हूं। ये एक सेल्फ लव दिख रहा है, किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जो है आप अट्रैक्टेड हो, खुद के ऊपर काम करने में बिजी हो, और स्पेशली अपने फाइनेंसेस पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। और क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो एकदम रिलैक्स्ड क्वीन होती है, उसके पास सब कुछ होता है, तो उसको प्यार की या किसी और के सपोर्ट की, सहारे की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में फुलफिल्ड है, ठीक है। और मुझे लग रहा है जैसे आप अपने आप को फुलफिल्ड मान रहे हो, जैसे सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी, ठीक है। वो वाली एनर्जी मैं आपको देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में देख रही हूँ कि आपका ध्यान ऐसा नहीं है कि आप किसी को बैक कर रहे हो या किसी को चेज कर रहे हो, यू आर हैप्पी,
ये हो सकता है कि पहले आप बहुत सोचते थे, आपने बहुत सोचा है, बट अब आप मेच्योर हो गए हो, अब आपको समझ आ गई हैं चीजें और अब आपने चीजों के पीछे भागना छोड़ दिया है, वो वाली एनर्जी है। रिलेशनशिप में जो लोग हैं विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आप उनको बहुत सपोर्ट करने वाले हो, और इक्वल गिव एंड टेक जो है इस रिश्ते में रहेगा। वी हैव टेम्परेंस, टेम्परेंस भी इक्वल गिव एंड टेक को दिखाता है। देखो यहाँ पे फायर है और यहाँ पे अर्थ है, सो दोनों को इसने संभाल रखा है, ठीक है। तो एक बैलेंस जो है वो आपकी लाइफ में बना रहेगा, आपकी लव लाइफ में बना रहेगा। एंड वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स और फूल भी है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग जो कि सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई प्रपोजल्स आ सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, हो सकता है न्यू बिगनिंग आप ही कर रहे हो, ठीक है, अपनी लव लाइफ में। लेकिन हाँ, कुछ रिस्क ले रहे हो आप, ये रिस्क सिर्फ वो लोग ले रहे हैं जो कि ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे किसी को कहना था, कहा नहीं गया था अपनी बातें, तो वो आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनके साथ, या फिर एक हीलिंग से आप निकल गए हो और अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। बिकॉज इसके हाथ में ना एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट जो है वो हम हीलिंग क्रिस्टल है बेसिकली। जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो हम एमेथिस्ट लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई एमेथिस्ट रखो अपने पास, ठीक है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो एमेथिस्ट अच्छा वर्क करता है। सो बेसिकली आपका हार्ट चक्रा क्लीन कर लिया है आप में से काफी लोगों ने, अब आप कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। आप देखो इस पर्सन ने ये वॉन्ड पकड़ रखी है और यहाँ पे भी हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, इसका मतलब आप कहीं तो मूव कर रहे हो, ठीक है। आप ट्रैवल कर सकते हो, आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो ताकि चीजें ठीक हों, ताकि चीजें फिर से प्रोसेस में आए। सो मिथुन राशि, आपकी लव लाइफ में मुझे यही दो तीन चीजें दिख रही है। कुछ मिथुन राशि वालों का ध्यान सेल्फ लव पे है, वो आगे बढ़ गए हैं उस बैगिंग एनर्जी से, और कुछ लोग इक्वल गिव एंड टेक के लिए राजी हैं और उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, आगे बढ़ के वर्क कर रहे हैं ताकि रिश्ते जो है वो बने रहे। और बैगिंग एनर्जी आपकी आज भी नहीं दिख रही, इस फूल की एनर्जी में भी, फूल की एनर्जी बता रही है कि एक इजी गोइंग की एनर्जी है, जो आ रहा है उसको आने दो, जो नहीं आ रहा उसको नहीं आने दो। हाँ, कोशिश मैं खुद कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एक जॉयफुल एनर्जी है, एक खुश मिजाज इंसान की एनर्जी है कि अरे तुम तो मुझसे काफी लंबे समय से बात नहीं करे, क्या हुआ, नाराज हो क्या, तो ऐसे पूछ लिया किसी से। कोई ऐसा नहीं क्यों नहीं कर रहा एंड ऑल चीजें, या जबरदस्ती किसी चीज को करो, नहीं, रिस्क लेते हुए दिख रहे हो। आपको पता है कि सामने एक ही वॉन्ड है, आपने छोड़ दिया तो वो आप गिर भी जाओगे, बट आपको कोई पड़ी नहीं है उन सब चीजों की, इजी गोइंग में मैं तो खुश हूं, मेरा बुरा हो ही नहीं सकता वाली सिचुएशन में हूं, ठीक है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। फैमिली वाइज बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के पास, अगर दूर रहते हो तो फैमिली की तरफ जा सकते हो, काफी ट्रैवल एनर्जी दिख रही है। हो सकता है मिथुन राशि कोई ट्रैवल करे इस वीक में, और अगर काफी बात नहीं हो रही है तो वीडियो कॉल्स पे बात वगैरह कर सकते हो अपने फैमिली से, ठीक है, ये भी दिख रहा है। विथ इस हायरोफेंट, अगर आपकी एज मैरिज वाली है मिथुन राशि, तो कोई रिलेशनशिप, कोई लव प्रपोजल आप अपने फैमिली से जो है शेयर कर सकते हो। आपके फैमिली मेंबर्स आपको कोई जैसे कोई कुछ कुछ विजडम दे रहे हैं या कोई कुछ कह रहे हैं जिससे आपको विजडम मिल रही है, जिससे आपको एक पता चल रहा है लाइफ की एक थियोरी आपको समझ आ रही है, तो आपके कोई फैमिली मेंबर आपको ये ज्ञान दे सकता है, या आपका फैमिली मेंबर आपको ऐसी जगह ले जा सकता है जहां आपको विजडम आ रही है, जहां आपको जैसे कोई गुरु के पास ले गए, कोई 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 स्पिरिचुअल प्लेस पे ले गए आपको। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस को विजिट करो, हो सकता है आप एक गेट टूगेदर अटेंड करो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे वॉन्ड्स दिख रही हैं अलग अलग शेड की, तो हो सकता है आपके कजिन्स के साथ आप साथ में आओ, या एक बहुत बहुत लोगों के बीच में आप रहो, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। यस, सो ओवरऑल काफी पॉजिटिव जो है वो मुझे चीजें दिख रही है। हाँ, अपनी लव लाइफ में आप थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कर सकते हो इनिशियल डेज में, जैसे आप अकेले हो और सोच रहे हो अब क्या करना है, बट एक मेच्योरिटी का डिसीजन लोगे कि आपको उस अकेलेपन से भागना नहीं है, वही आपकी लाइफ है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि अगस्त के मंथ में मिथुन राशि आपके ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए वन कार्ड एज ऑब्स्टिकल्स। ओके, वी हैव ऑथोरिटी एंड लीड। नंबर फोर आपके लिए, फोर्थ डेट आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो ऑब्स्टिकल है वो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाएं, आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहें सिचुएशन को, और वो कंट्रोल करने की जो चीज है आपकी वो आपके अच्छी खासी चीजों को खराब कर दे, ठीक है। आपका एक
नेगेटिव एटीट्यूड या आपका कंट्रोल करना या आपको अपने तरीके से चलाना या आपको जिन चीजों को रिलीज करना उन चीजों को आप रिलीज नहीं कर पाओ, ये चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती है। 4th ऑफ अगस्त पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो आपको मैं यहाँ पे कहूंगी, ठीक है। सो कंट्रोल मत करो किसी चीज को अपनी लाइफ में, जब चीजें इतनी हैपनिंग है ऑलरेडी, सब कुछ इतना बढ़िया है, तो आप उस बढ़िया को एंजॉय करो, बजाय कि उस बढ़िया को अपनी तरीके से बढ़िया बनाने के चक्कर में मत रह जाओ, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहे हैं, कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं, कुछ डिसीशंस आपको लेने पड़ेंगे, कुछ कुछ चीजें आपको रिलीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बेहतर है कि आप चीजों के साथ ढल जाओ, बजाय कि आप चीजों को अपने साथ अपने अकॉर्डिंग ढालने में लग जाओगे, तो वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है मिथुन राशि। चलिए नाउ लेट्स सी कि आपकी ब्लेसिंग क्या है। ब्लेसिंग फॉर मिथुन राशि। ऑलराइट, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि। अगस्त 22 की ब्लेसिंग क्या है। शफल अच्छे से नहीं हो रहा है इसलिए मैं कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, ठीक है। हमारे पास कार्ड स्पिरिट गाइड्स अपने आप दे देंगे होपफुली। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि। ब्लेसिंग्स फॉर मिथुन राशि, वन कार्ड एज ब्लेसिंग। ओके थैंक यू। वी हैव हायरोफेंट, अगेन हायरोफेंट। आपकी फैमिली में भी हायरोफेंट आया था, तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है अगस्त में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी फैमिली आपको कुछ कुछ सिखा सकती है, कुछ ऐसा बता सकती है जिससे कि आपको लगे कि यार यही तो सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, ठीक है। सो वो आपको मिल जाएगा, एक विजडम मिल जाएगी, एक प्रॉब्लम की कीज मिल जाएंगी। अगर मैं इस कार्ड को आपको दिखाऊं तो देखो इसके पास कीज है, ठीक है। वही हायरोफेंट मैरिज का भी कार्ड है। सो एक लव मैरिज, लव लव मैरिज में आगे बढ़ना या लव मैरिज को प्रोसीड करना या अपने लव को मैरिज तक प्रोसीड करना, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है। एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए उनकी मैरिज, उनके पार्टनर उनका सपोर्ट करेंगे, ये उनकी ब्लेसिंग हो सकता है। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग रेजोनेट होगा, बट फैमिली मैरिज और एक विजडम मुझे दिख रही है, जैसे किसी को कुछ कुछ की मिल गई कि अब क्या करना है वाली सिचुएशन, ठीक है। दैट इज वेरी पॉजिटिव आई गेस। सो बस आप लीड करने पे मत रहना इस महीने। इस महीने जो चीजें यूनिवर्स आपको दे रहा है उनको एंजॉय करो, बिकॉज यूनिवर्स आपको काफी कुछ दे रहा है। जो भी नेगेटिविटी है वो आपकी स्टकनेस है, वो आपकी ओवर थिंकिंग है, ठीक है। तो आप चाहोगे तो आप अकेले हो जाओगे, आप चाहोगे तो आप सबके साथ हो जाओगे। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, अपने ईगो पे कंट्रोल रखना इस महीने। नाउ लेट्स सी कि विजडम ओरेकल डेक से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। ऑलराइट, वी हैव सेरेंडिपिटी। सो समथिंग इज अबाउट किस्मत कनेक्शन। कुछ चीजें हैं जो कि किस्मत पे छोड़ दो, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, या कहने का मुझे ऐसे कहना चाहिए कि आप कुछ चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो यूनिवर्स ने तय कर रखी है, वो डिवाइन ने तय कर रखी है आपके लिए, तो वो वैसे ही होंगी। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको अपना गुड लक मानो, ठीक है, उसको अपना गुड फॉर्चून मानो और उसके साथ, उस इवेंट के साथ ढल जाओ। अगर आप उसे रेजिस्ट करने लग जाओगे तो वो आपको तरक्की नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नहीं उड़ना चाहे, यूनिवर्स उसको चाहते हैं कि वो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर आके देखे कितनी खूबसूरती है चारों तरफ, बट वो नीचे ही है, नहीं देखना मुझे ये सब खूबसूरती, मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो अगर वो अपने आप को रेजिस्ट करेगी तो वो कभी भी ऊपर से व्यू नहीं देख पाएगी और वो वहीं रह जाएगी। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ग्राउंडेड रहना अच्छी चीज है, लेकिन जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको रेजिस्ट मत करो, बिकॉज मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ वो तुमको अभी पता ही नहीं है क्या है। जब तुम ऊपर पहुंचोगे और देखोगे कि कितना सुंदर व्यू है, तब तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन होगा। सो सेम चीज आपके लिए है गाइडेंस, कि रेजिस्ट मत करो अपनी अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि ये टाइम है आपके लकी हुआ आप कि आपको ये मिरेकल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और जो कुछ भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो हायर एनर्जीज के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। वो आपने कुछ अच्छे कर्मा किए थे कभी, ये उसका फल है,
अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने रिजल्ट्स को भी नेगेटिव देख करके उनको छोड़ दोगे या उनको एंजॉय करोगे, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता, ठीक है। और यस, आप में से काफी लोगों की एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, सेम सेरेंडिपिटी का कार्ड से लग रहा है, जैसे आप बहुत लंबे समय से स्टक थे, लेकिन यूनिवर्स ने अब आपके लिए कुछ कुछ नया सोचा है, कुछ नए प्लान तैयार किए हैं, और आप उन प्लान उन डिवाइन फोर्सेस के थ्रू उन लोगों से मिलने वाले हो इस महीने, जहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स जो है वो तय कर रहे हैं कि आपके लिए आगे क्या करना है, ठीक है। एंड कुछ चीजें हो सकती है जो कि अभी आपको सर्टेनिटी नहीं है कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है, आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, जैसे आपको 11 11 दिख सकता है काफी, आपको 3333 दिख रहा है, आपको 4444 दिख सकता है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी जो सिंक्रोनिसिटी आप देख पा रहे हैं, नंबर्स की हो, अल्फाबेट्स की हो, कुछ और डिवाइन मैसेज जो है वो आपको लीड कर रहे हैं ताकि आप वो लेसन लर्न कर सको, ठीक है, और उस जैकपॉट तक पहुंच सको जो कि आपके लिए बनाया है, ठीक है। और यूनिवर्स और स्पिरिट्स हमेशा जानते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, तो वो आपको वही देते हैं, वो आपको वो नहीं देते जिसके लिए आप बैक कर रहे हो, ठीक है, या जो आपकी डिजायर है वो नहीं देते, वो देते हैं जो कि आपकी जरूरत है। तो बस इसी बात पे ट्रस्ट रखना कि जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है वो आपकी जरूरत है, ठीक है, वो जरूरी है आपके लिए, चाहे वो कोई लेसन हो, चाहे वो लक हो, चाहे वो कुछ और कोई पर्सन आ रहा हो आपकी तरफ, वॉट एवर, बट वो आपके लिए जरूरी है इस पर्टिकुलर टाइम पे। आपकी डिजायर्स के चक्कर में आप अपनी जरूरतों को मत छोड़ना इस महीने, ऑलराइट। तो ओवरऑल तो मुझे काफी पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए दिख रही है यहाँ पे मिथुन राशि। आई होप कि गाइडेंस आप फॉलो करेंगे और रीडिंग को और एनर्जीज को और अच्छा बना लेंगे अपने लिए। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय।